मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ इस चैप्टर के बारे में। मैंने इसके पहले तीन लेक्चर्स, तीन वीडियोस मैंने इसके शूट किए थे, और जिसमें फर्स्ट में मैंने बताया था कि एल्डिहाइड कीटोन्स कैसे बनता है, या एक कार्बोनाइल ग्रुप कैसे मैजिकली अलग अलग कंपाउंड को बना सकता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन में जाकर। दूसरे वीडियो में बताया था कि इनका कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग कैसे किया जाता है। कल जो मैंने लेक्चर आपको शूट करके दिया था, दैट वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल। छोटा सा टॉपिक था, तो प्रॉब्ली इट वाज सम 10 मिनट और इवन लेस। नाउ आज जो मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इट हैज सम नेम रिएक्शन एंड प्रॉब्ली यू डोंट नो हाउ इम्पॉर्टेंट दिज आर। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। इसमें कई सारे टॉपिक हैं, सो मैं कोशिश करूँगा सबको एक साथ कलेक्ट करने का, बट मोटिव ये है कि बहुत बड़ा वीडियो ना बन जाए। तो पहला जो टॉपिक है वो है कि व्हाट इज द प्रिपरेशन, व्हाट आर द प्रिपरेटरी मेथड ऑफ एल्डिहाइड, और उसमें कुछ एक मेथड्स में से मैं बात करूँगा। सबसे पहले बात करूँगा रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में, ठीक है? तो ये है क्या, लेट मी, सो लाइक आई सेड, जो टॉपिक है हमारा वो है क्या, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। सो दिस इज व्हाट टॉपिक है, जिसमें से हम पहले जिस पे बात कर रहे हैं वो है रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन, रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या है, ये तो क्लियर हो गया कि इससे एल्डिहाइड बनेगा, बट ये है क्या, एन एसिड क्लोराइड, एन एसिड क्लोराइड अंडरगो रिडक्शन, रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ, ये इसका थियोरेटिकल पार्ट है तो आप ये ध्यान देना, इससे हेल्प मिलेगा समझने में। इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट एंड कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड, कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड, ठीक है? तो ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट है। लेट मी रिपीट यू यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस सेज कि एक एसिड क्लोराइड को आपको रिडक्शन करवाना है किसके प्रेजेंस में, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में, और तब वो एसिड क्लोराइड कन्वर्ट होगा किसमें, एल्डिहाइड में। तो ये एसिड क्लोराइड क्या है, इसके लिए हम देखते हैं बेसिकली करना क्या है। प्रॉब्ली आपको ये पता होगा, इट्स द एसिड क्लोराइड इज कॉल्ड आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, दिस इज योर एसिड क्लोराइड, जिसको हम एसाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। लाइक स्टेटमेंट में है कि इसको आपको रिडक्शन करवाना है किसके प्रेजेंस में, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करवाना। तो होगा क्या, एक्चुअली ये जो क्लोरीन है वो डिस्प्लेस होकर रिड्यूस हो जाएगा और हाइड्रोजन उसकी जगह पे ऑक्यूपाई करेगा, तो ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा एंड दिस इज योर एल्डिहाइड, ठीक है? अगर रिएक्शन के मैकेनिज्म पे जाना है तो यहां पे ध्यान देना, अगर मैकेनिज्म पे जाना है तो HH का मतलब है कि देयर इज अ सिंगल बॉन्ड हियर, आप इसको होमोलाइसिस करवाओ, इससे क्या होगा, दो फ्री रेडिकल बनेगा, एक एच फ्री रेडिकल, एच फ्री रेडिकल, फिर इस बॉन्ड का भी होमोलाइसिस आप कर सकते हो। तो इस तरीके से एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जाएगा और एक बाय प्रोडक्ट क्रिएट होगा HCl, और दूसरा हाइड्रोजन क्लोरीन की जगह ले लेगा और बन जाएगा क्या, एल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन, और इससे हम क्या बनाते हैं, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड को क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो ये था हमारा फर्स्ट प्रिपरेटरी मेथड, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, एंड व्हाट इज दिस कॉल्ड, रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन।
जो दूसरा रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड का, दिस इज कॉल्ड स्टीफन रिएक्शन। तो स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है वो, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि एक नाइट्राइल, जिसको हम एल्काइल साइनाइड भी बोल सकते हैं, एक नाइट्राइल का रिडक्शन किया जाता है, इन प्रेजेंस ऑफ HCl यूजिंग स्टेनस क्लोराइड। दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। एंड लाइक आई सेड, इस रिएक्शन का नाम क्या है? स्टीफन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है? अ नाइट्राइल, व्हाट इज अ नाइट्राइल? एल्काइल साइनाइड। अ नाइट्राइल अंडरगो रिएक्शन विद स्टेनस क्लोराइड। ये स्टेनस क्लोराइड क्या है? टिन क्लोराइड, आप इसको सिंपल वर्ड में बोलो तो स्टेनस क्लोराइड यानी SnCl2। स्टेनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, इन प्रेजेंस ऑफ HCl टू प्रोड्यूस एन इंटरमीडिएट, एन इंटरमीडिएट कॉल्ड आई माइन और ई माइन, वॉट एवर यू नो दैट सूट्स टू यू, यू कैन कॉल कॉल आई माइन, विच अंडरगो हाइड्रोलिसिस, विच अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू प्रोड्यूस एल्डिहाइड। रिमेंबर, मैं सिर्फ इक्वेशन भी डायरेक्टली समझा देता, बट शायद इक्वेशन को समझने के लिए थोड़ी बहुत स्टेटमेंट की जरूरत होगी, इसलिए मैं स्टेटमेंट भी कंप्लीटली बता रहा हूँ। और लाइक आपने देखा होगा कि मैं यूजुअली हर स्टेटमेंट, हर इक्वेशन को डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनी पार्ट टू बी मिसिंग फ्रॉम द NCERT, राइट? वेदर इट्स राइटिंग पार्ट और इट्स द इक्वेशन पार्ट और रीजनिंग पार्ट, लॉजिकल पार्ट, वॉट एवर पार्ट यू बिलीव यू आर मिसिंग, आई थिंक आई एम प्रोवाइडिंग दैट फॉर यू। सो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, रिएक्शन को देखते हैं। जब एक एल्काइल साइनाइड, जिसको नाइट्राइल भी बोलते हैं, जब हम रिएक्शन करवाते हैं स्टेनस क्लोराइड के साथ, टिन क्लोराइड के साथ, किसके प्रेजेंस में? HCl के प्रेजेंस में। तो ये पहले एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है जिसका नाम है आयमाइन, और आयमाइन का दोबारा हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो हाइड्रोलिसिस से फाइनल बन जाता है क्या? एल्डिहाइड। नाउ लेट्स सी व्हाट द रिएक्शन इज। तो लाइक आई सेड, वी हैव एल्काइल साइनाइड, तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बात कर रहा हूं। ये है हमारा एल्काइल साइनाइड, ठीक है, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? नाइट्राइल। तो जब नाइट्राइल को आपको क्या करना है, रिएक्ट करवाना है SnCl2 से और HCl के प्रेजेंस में। तो यहां पे एक्चुअल रिड्यूसिंग एजेंट HCl ही है, तो इससे ध्यान रखना है कि ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएगा, वो होगा, यहां पे ध्यान देना है आपको, R, ध्यान से देखना है, यहां से एक बॉन्ड को क्लीवेज करना, होमोलाइसिस। तो होगा क्या, एक फ्री रेडिकल C पे भी जाएगा और एक फ्री रेडिकल N पे जाएगा, ठीक है? और अगर हमारे पास सपोज 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो एक हाइड्रोजन N के साथ और एक हाइड्रोजन क्लोरीन के कार्बन के साथ हम एसोसिएट करेंगे, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड N, लाइक आई सेड, N के साथ H, और एक H आपको किसके साथ लगाना है? कार्बन के साथ ही लगाना है। सो दिस इज कॉल्ड आयमाइन। तो इमाइन बन गया या आयमाइन बन गया, उसके बाद इसको रिएक्ट करना है वाटर के साथ, ठीक है, इसके बाद इसको रिएक्ट करना है वाटर के साथ। तो ये मैं हाइड्रोनियम आयन क्यों लिख रहा हूं? बिकॉज वाटर तो हम यूज कर ही रहे हैं और यहां पे बहुत सारा एसिड हमें मिल रहा है, तो वो रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट होगा। अब क्या होता है, ध्यान से देखना, यहां पर अगर आप देखो तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -3 और हाइड्रोजन का क्या है? +1, यानी ओवरऑल ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है -2,
और ऑक्सीजन का भी क्या होता है -2, याद रखना ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है -2, ये समझाने के लिए सिर्फ है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन इस NH को रिप्लेस कर देगा और ये बन जाएगा क्या RC डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, हाइड्रोनियम आयन से आ गया और इस तरह से क्या बन गया हमारा एल्डिहाइड बन गया। सो आई होप ये समझ में आया रिएक्शन का तरीका क्या है और स्टीफन रिएक्शन का पर्पस क्या है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप एक साथ कलेक्ट करोगे तो डेफिनेटली ये रिएक्शन समझ में आएगा, याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और प्रॉब्ली याद करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा दो टॉपिक, दो नेम रिएक्शन, देर वॉज वन स्टीफन रिएक्शन एंड दैट वॉज द सेकेंड वन, द फर्स्ट वन वॉज रोजिन वन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। बाकी के टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में चाहता हूँ कि आपको अपडेट करूँ, तो इसको मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। आई वुड से थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जस्ट कीप कमिंग टू दैट सो दैट यू कैन गेट एवरी टॉपिक यू वॉन्ट टू, राइट। सो दैट